आजम खां और ओवैसी आईएसआई के एजेंट हैं, इनके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 6 दिसंबर 2018 तक शुरू हो जाएगा। यह बात हिंदू सेवा समिति के कार्यक्रम में इटावा पहुंचे अयोध्या रामजन भूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कही। इटावा में मीडिया से रूबरू होते हुए वेदांती ने आजम खां और असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा प्रहार बोलते हुए कहा, ओवैसी तो आतंकवादियों का प्रमुख सरगना है। क्या मानते हो ओवैसी की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ओवैसी की जांच होनी चाहिए और ओवैसी के लिए इस्लाम धर्म के कट्टर पंथियों को प्रशिक्षण देने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पैसा भेजता है। डॉक्टर वेदांती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आजम खां पर भी सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव का जो आजम खां है उसका साथ आईएसआई आतंकवादियों के साथ में है और हमने कई बार उत्तर प्रदेश में इस बात को कहा भी है, यदि आजम खां की सीबीआई जांच करा ली जाए तो पता चल जाएगा कि आईएसआई के कितने एजेंट आजम खां ने बना करके कहां कहां उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य वेदांती ने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक शक्तिशाली नेता हैं, वह राम मंदिर भी बनवा सकते हैं क्योंकि यह भूमि तो रामलला की जन्मभूमि भी है। मंदिर का निर्माण निश्चित होगा। देखिए 2006 दिसंबर 2018 तक मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा हमको विश्वास है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगली दिवाली राम मंदिर में ही। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने नहीं, हम बताए सुब्रमण्यम कोर्ट किसकी बल पर कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बल पर कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, उन्होंने हमसे भी कहा है कि अगली दिवाली राम जन्म मंदिर निर्माण की दिवाली होगी, ये बात सत्य है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनवाने में अब किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सभी लोग मंदिर बनवाने के पक्ष में हैं और 6 दिसंबर 2018 तक इसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। इटावा से अनु चौरसिया न्यूज 75.in।